कि हम सरकार से मांग करें कि जातिगत जनगणना को प्रकाशित कीजिए और जातिगत जनगणना को प्रकाशित कर करके जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतनी भागीदारी लीजिए, उतना आरक्षण की बात आप कीजिए, तब समाज हमारा आगे बढ़ेगा, ये मांग करना चाहते हैं। अब दूसरी मांग यही करना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो चुनाव लड़ता हो, घोषणा पत्र में ये जाहिर करे कि हम चुनाव जीतेंगे, हम सरकार बना लेंगे या बनाने में सहयोग देंगे, तब यही शर्त रहेगा कि चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक साथ पढ़े, एक तरह की पढ़ाई करे, ताकि वो आगे बढ़े जीवन में। ना आरक्षण की जरूरत होगी और ना फिर जात पात की बात होगी। हम लोगों का एक आंदोलन होना चाहिए, मान होना चाहिए। और लोहिया जी को याद करते हैं, अम्बेडकर साहब को करते हैं, तो फिर राष्ट्रपति का बेटा या धनी का संतान, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, वो व्यवस्था के लिए हम लोग प्रोवाइड करनी चाहिए। और अगर होता है तो हम कर सकते हैं। लोहिया जी ने भी कहा था, अभी बात कही गई आपको, लोहिया जी भी जातिवाद और वंशवाद के खिलाफ थे, हम भी करना चाहते हैं। हम सभी मानव एक माता पिता के औलाद हैं। आज जातिगत बंटवारा एक मनवादी स्मृति के आलोक में या ब्रह्मवादी व्यवस्था के आलोक में कर दिया गया और हम बटे हुए हैं। हमारा कहना है कि यदि एक प्रकार की शिक्षा एक जगह के समान शिक्षा होगी तो हम अपने आप जाति भूल जाएंगे। और जब तक जाति नहीं भूलेंगे, जब तक जाति व्यवस्था नहीं समाप्त होगी, हिंदुस्तान की इस गरीबी को कोई नहीं मिटा सकता है। ये हम कर सकते हैं। लोहिया जी शायद नहीं सोचते होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सबको शिक्षा एक समान। तो मेरे भाइयों बहनों, समय नहीं है, दो बात की मांग आज के इस अवसर पर करना चाहते हैं कि हम सरकार से मांग करें कि जातिगत जनगणना को प्रकाशित कीजिए और जातिगत जनगणना को प्रकाशित कर करके जिसकी जितनी जनसंख्या हो उतनी भागीदारी लीजिए, उतना आरक्षण की बात आप कीजिए, तब समाज हमारा आगे बढ़ेगा, ये मांग करना चाहते हैं। अब दूसरी मांग यही करना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो चुनाव लड़ता हो, घोषणा पत्र में ये जाहिर करे कि हम चुनाव जीतेंगे, हम सरकार बना लेंगे या बनाने में सहयोग देंगे, तब यही शर्त रहेगा कि चाहे गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, एक साथ पढ़े, एक तरह की पढ़ाई करे, ताकि वो आगे बढ़े जीवन में। ना आरक्षण की जरूरत होगी और ना फिर जात पात की बात होगी। और ये दोनों बात को मिटाने के लिए ही लोहिया जी कटिबंध के काम करते थे। हम समझते हैं एक दो मुद्दा जो अनछुआ मुद्दा है, जिसको बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन है बहुत आवश्यक। इसको अपनाए बिना आज 72 साल की आजादी में हम कुछ आगे बढ़े हैं, चुनिंदा बने हैं। आगे भी 72 साल बीत जाएंगे तो भी शायद 10% 5% हम और आगे बढ़ेंगे। आज शिक्षा की क्या स्थिति है? बिहार में 61% साक्षरता दर है, सिंधु कास्ट की साक्षरता दर 28% है। सिंधु कास्ट में भी एक जाति की जब साक्षरता दर हम देखते हैं तो 7% है, महिलाओं की 3% है। क्या यही व्यवस्था चालू रहना चाहिए? इस व्यवस्था को दूर करने के लिए कॉमन स्कूलिंग सिस्टम और सबको शिक्षा एक समान की मांग करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, और फिर जातिगत जनगणना प्रकाशित कर करके सबको समान अवसर देने की बात की मांग करना चाहिए। तभी हम समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब हम नहीं समझते हैं कि और कोई बात बच गई है। लेकिन हम अपने राजनीतिक जीवन में गरीब तबके के लोगों का विकास क्यों नहीं हो रहा है? कहने को लोग कहते हैं कि 70 वर्ष की आजादी हो गई, हम कहते हैं कि 72 वर्ष की आजादी हो गई, और हमारी दशा क्या है? समाज में चुनिंदा 2-4-5-10% लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला है, लेकिन समाज के अधिकांश लोग, कह सकते हैं कि 80-85% लोग आज वही हालत में हैं जो स्वतंत्रता के पहले थे। तो फिर सोचना होगा एक विचारक को, सोचना होगा चिंतक को कि आखिर क्या करना होगा हमको। इस संदर्भ में लोहिया जी की बात याद आती है, शायद ही उन्होंने कहा था कि समाज को बढ़ाने के लिए उसको वाकई हिस्सेदारी मिलनी चाहिए,
और कहा गया था कि जितनी जिसकी जनसंख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी। क्या हम आज सोच रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आलोक में उसकी हिस्सेदारी मिल रही है? हम कहना चाहते हैं कि आज तक नहीं हुआ। आखिर ये कौन करेगा, कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? इसी में आरक्षण का भी सवाल है जो हमारे सामने आता है। आज 49% आरक्षण किसके लिए है, किस समाज के लिए है और कितने के लिए है? वैसे में अगर हम सोचते हैं तो कह सकते हैं कि अधिकांश लोग 85% की बात कर सकते हैं, उनकी जनसंख्या है लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ 49% की आरक्षण की बात होती है। तो आज कोई भी सरकार हो, कहां मांग हम लोग कर रहे हैं, आंदोलन करने की आवश्यकता है कि हमारी जनसंख्या जितनी है उतनी हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर आरक्षण की बात ही है तो कम से कम अगर 85% हम हैं तो आरक्षण का दायरा 85% तक बढ़ाना चाहिए, ये मांग हम करना चाहते हैं आज इस संदर्भ में। तो मेरे भाइयों बहनों, इसके लिए हमको लड़ना चाहिए। हम रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, जमीन के टुकड़ा के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन आंदोलन करते करते आज भी हमारी स्थिति रिवर्स गियर में जा रही है, हम पीछे की ओर जा रहे हैं। उसका एक कारण और है, शायद लोहिया ही जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। स्वतंत्रता के पहले लोग नारा लगाते थे, वही उन्होंने स्वप्न देखी थी कि ऐसा हमारा हिंदुस्तान होगा जहां राष्ट्रपति का बेटा और भंगी का संतान एक साथ एक तरह की पढ़ाई पढ़ेगा। और इसको अम्बेडकर साहब ने भी कहा था, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, क्या इस पर कोई बात उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जैसा कि दूसरे देशों में होता है, फ्रांस में है, कनाडा में है, उत्तरी कोरिया में है, चीन में है, जापान में है, अन्य देशों में है, कि सभी सरकारी स्तर पर पढ़ते हैं। लेकिन आज यहाँ क्या है, आज यहाँ दोगली शिक्षा नीति है। एक नीति यह है कि 50 लाख, 20 लाख, 40 लाख रुपया दे करके जो समृद्धशाली लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो कितना नंबर लाते हैं, 99% नंबर लाते हैं, 95% लाते हैं। और हम गरीब के बच्चे जो 85% हैं, उनके लिए सरकार की व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर हम उनको पढ़ाते हैं, चाहे जिस जात का हो, जिस कौम का हो, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और उसकी पढ़ाई का हालत क्या है, सबसे अच्छी कोई बात नहीं है। हमारा कहना है ये साजिश है,